अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फुरकान पंजवानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की नई अपडेट के हवाले से। व्हाट्सएप ने अभी रिसेंटली अपडेट करी है और जो आप व्हाट्सएप का स्टेटस जो आप लगाते हैं वो अब आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं फेसबुक की स्टोरीज पर। पहले क्या होता था कि आपको फेसबुक पर स्टोरी लगानी है, अगरचे स्टोरी या स्टेटस सेम है लेकिन आपको फेसबुक पर जाके अलग से वो स्टेटस स्टोरी लगाना पड़ता था। अब क्या होगा, जब आप व्हाट्सएप पे जाके जब स्टेटस लगाएंगे तो स्टेटस लगाने के बाद उसी स्टेटस के नीचे जो है शेयर टू फेसबुक स्टोरी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली वहां से फेसबुक की स्टोरी पे शेयर कर सकते हैं। या तो जो टॉप राइट कॉर्नर पे है जो थ्री डॉट्स आपको दिख रहे होंगे वहां पे क्लिक करके वहां पे भी शेयर टू फेसबुक स्टोरी जो है आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, हो सकता है कि आपके मोबाइल में, क्योंकि मेरा जो पुराना मोबाइल है उसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा, जो मेरे नए वाले मोबाइल में ये ऑप्शन आ रहा है, तो मुमकिन है कि ये डिवाइस टू डिवाइस जो है वेरी करे और किसी डिवाइस पे जल्दी आ जाए ये अपडेट, किसी डिवाइस पे देर से आए। लेकिन अब ये व्हाट्सएप की तरफ से ये अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो स्टोरीज़ का मकसद होता है वो अपने किसी बात को हाईलाइट करना होता है, या अगर आप कोई इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहते हैं, जैसे हम न्यूज़ वगैरह में हेडलाइंस देखते हैं, हेडलाइंस में क्या होती है, जो इम्पॉर्टेंट बात होती है उसको अलग से जो है हमें दिखाई जाती हैं। अब स्टोरीज़ या स्टेटस का मकसद ये होता है, क्योंकि व्हाट्सएप के स्टेटस भी आप देखते हैं कि अलग से एक पूरा एक जगह बनी हुई है जहाँ पर स्टेटस शेयर होते हैं, और फेसबुक पर भी ऊपर जो है सबकी जो है स्टोरीज़ आ जाती हैं। तो मकसद यही होता है कि अगर आप इम्पॉर्टेंट बात सब तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो वो इजीली सब तक पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे क्या नॉर्मली हम देखते हैं कि सब लोग जो हैं अपने फेस की तस्वीरें या इस तरह की फेस की वीडियोस वगैरह लगा रहे होते हैं। सर ये है कि अगर आप तो इम्पॉर्टेंट बात है तो ही आप उसको स्टेटस के ज़रिए से शेयर करें, वरना अदरवाइज़ जो है एक टाइम आएगा कि आप इम्पॉर्टेंट बात शेयर करेंगे और वो भी लोग नहीं देखेंगे। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। तो ये थी व्हाट्सएप की नई अपडेट और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप अप टू डेट रह सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।